हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर जियोग्राफी का पेपर 3। इससे पहले हमने ऑलरेडी बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी का पेपर 1 पेपर 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और पेपर 3 का ये आज का आपका 19 नंबर चैप्टर है। इससे पहले हमने 18 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर एक बार विजिट कीजिए और आप जाकर के सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, उसका नाम है समविकास की संकल्पना। तो समविकास क्या होता है? तो समविकास की जो संकल्पना है, इसका मूल है बिना विनाश किए विकास करना। इसका जो मूल है, इसका जो उद्देश्य है, वो है कि बिना विनाश किए विकास करना। जैसे कि हम विकास कर रहे हैं, पूरी दुनिया विकास की तरफ बढ़ रही है, विकसित होने की कोशिश कर रही है, जिस कोशिश में वो अपने प्राकृतिक चीज़ों का पूरी तरह से दुरुपयोग करके, पूरी तरह से उसका महत्वाकांक्षी तरीके से यूज करके अपने विकास को कर रहा है। लेकिन समविकास की अवधारणा क्या है कि हम बिना कुछ विनाश किए हुए या कम से कम किसी चीज़ को नष्ट किए हुए हम विकास कर सकें, जिससे संतुलित और व्यवस्थित नियोजन पर आधारित एक आर्थिक विकास हो सके। तो यह है समविकास की संकल्पना, यानी कि हम ऐसा विकास करें जिसमें विनाश ना करना पड़े, ऐसा विकास कहलाता है आपका समविकास। अब समविकास की जो अवधारणा है, इसके मुख्यतः कुल 3 पक्ष हैं। आइए उन पक्षों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं कि समविकास की जो ये संकल्पना है, इसके जो पक्ष तीनों हैं वो क्या क्या हैं। तो इसका जो पहला पक्ष है वो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, संतुलित विकास। संतुलित विकास क्या होता है कि समविकास का जो प्रथम पक्ष है, इसको संतुलित विकास कहते हैं, जिसमें पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए समाज और समुदाय के सभी वर्गों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है। विकास का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से मिलना चाहिए। विश्व में वर्तमान समय में जो है पर्यावरणीय ह्रास का जो प्रमुख कारण है, वो विकास का असंतुलित वितरण है, जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों में विकास के स्तर एवं परिणाम स्वरूप जीवन के भौतिक स्तर में बड़ी असमानता पाई जाती है। जैसे कि आप किसी भी कंट्री का उठा करके देख लीजिए, कंट्री में जितने भी लोग हैं उसमें से 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास 99% लोगों के बराबर पैसा है, और 99% ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल 1% पैसा है पूरी कंट्री का। तो इस तरह से जो वितरण हुआ है, वो असमान वितरण ही सबसे बड़ा कारण बनता है पर्यावरणीय ह्रास का, पर्यावरणीय जो है उसको, पर्यावरण को खराब करने के पीछे ये बहुत बड़ा कारण बनता है, जिसके कारण विकसित और विकासशील देशों के मध्य वैचारिक अंतर में वृद्धि होती गई है और पर्यावरणीय ह्रास भी बढ़ा है। विकसित राष्ट्र जो है वो विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं और विकासशील देशों की तुलना में विभिन्न भौतिक वस्तुओं का कई गुना अधिक उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि जो विकसित देश हैं, वो अपने यूज के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए दूसरे जो विकसित कंट्री, जो विकासशील कंट्री हैं, जो विकास कर रहे हैं, उनके संसाधनों का भी वो यूज कर रहे हैं, उनके संसाधनों को भी वो वहाँ से मंगवा करके अपने लिए यूज करते हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, विकासशील देश और विकसित देशों की, तो दोनों का जो भौतिक यूज है, भौतिक जो काम वो कर रहे हैं, भौतिक की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका भौतिक जो अवस्था है, वो दोनों में अगर डिफरेंस कह करें तो कई गुना ज़्यादा यूज करते हैं विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देश। तो इस तरह से जो वितरण हुआ है भौतिक चीज़ों का या भौतिक आर्थिक विकास का, वो बड़ा ही असमान वितरण हुआ है। एंड दूसरा इसका पक्ष है समविकास अवधारणा का, वो है समन्वित विकास। समन्वित विकास क्या है, आइए देखते हैं। समन्वित अथवा समग्र विकास में पारिस्थितिकीय तंत्र की समग्रता को आधार विकास के आयाम निर्धारित किए गए हैं, यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र की जो समग्रता है, इसको आधार बना करके विकास किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों को परस्पर एक दूसरे से अलग ना मान करके सबको एक साथ जोड़ करके देखा जाना चाहिए। इसी तरह पर्यावरण संकट, विकास का संकट, ऊर्जा संकट, सामाजिक विषमता तथा सामाजिक विविधता की जो समस्याएं हैं, ये एक दूसरे से अलग ना होकर के एक दूसरे पर जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। पूर्व में आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण पर दबाव दिया जाता था, यानी कि पुराने समय में आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण पर दबाव दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में मृदा अपरदन, प्रदूषण आदि समस्याएं आर्थिक विकास की असफलता के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत देखने को मिली हैं हमें। अतः पर्यावरण के प्रति जो समग्र दृष्टिकोण है, उसको अपनाना ही स्वविकास का एक अभिन्न अंग है, उसको अपनाना इम्पॉर्टेंट है।
प्रकृति के जो स्थानीय स्तर है उस पर किए गए पर्यावरणीय प्रभाव का विश्वव्यापी प्रभाव होने लगा है। जैसे कि अगर बात करें ब्राजील के अमेजन घाटी में जो वन कटा हुआ, वनों को पूरी तरह से वहां पर नष्ट कर दिया गया, जिसकी तीव्रता का प्रभाव जो है वो विश्व की जलवायु पर दिखाई देता है। लेकिन अनेक बार क्या होता है कि सुदूर स्थित विकसित देशों के कारण भी विकासशील देशों के पर्यावरण का ह्रास हो जाता है। यानी कि कोई अगर आपके आसपास कोई दूर में कोई ऐसा विकसित देश है जो अपने यहाँ के पर्यावरण को नाश कर रहा है, पर्यावरण ह्रास कर रहा है, तो उसके आसपास रहने वाले जो अन्य विकासशील देश हैं उनको उनके भी पर्यावरण पर उसका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। एंड तीसरा है आपका सतत या संतुलित विकास। सतत या संतुलित विकास क्या है इसके बारे में आइए देखते हैं। सतत और संतुलित विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो मानव समाज के नियतकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र को अपना लक्ष्य ना माने बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी विकास का आधार बना रहे। यानी कि सतत और संतुलित का मतलब कि लगातार विकास होता रहे। ऐसा नहीं कि हम अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए प्रकृति का पूरी तरह से हनन कर लें और हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ भी बचे ना। तो बिना भावी पीढ़ियों के हितों को आघात पहुंचाए, बिना भावी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके हितों को बिना ठेस पहुंचाए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना ही सतत या संतुलित विकास कहलाता है। इसमें मानवीय आवश्यकताओं तथा जीवन की गुणवत्ता के लिए संसाधनों का ऐसा दोहन सम्मिलित है जो पर्यावरण की सहनशीलता की सीमा से बाहर ना हो तथा दबाव ना बन जाए, जिस दबाव से आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं वो दब जाए और उनका विकास रुक जाए। तो इस तरह से आने वाले टाइम को देखते हुए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए, सभी को एक साथ मिल करके ऐसा विकास करना है जिस विकास के द्वारा जो है जीवन आगे बढ़ सके। अब सतत और संतुलित विकास के कुछ सिद्धांत हैं उनके हम देख लेते हैं। तो इनका जो पहला सिद्धांत है वह है सामुदायिक जीवन की देखभाल। यानी कि सतत और संतुलित विकास जो है इसके कुछ सिद्धांत है, उसमें पहला सिद्धांत है सामाजिक जीवन की देखभाल। जो सामुदायिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसका देखभाल, यानी कि जो विकास हो रहा है उसका एक दूसरे में पूरी तरह से समान वितरण किया जा सके, जिससे कि हम आर्थिक रूप से एक जैसे रहें और पर्यावरण का ह्रास उस लेवल पर ना हो सके। सेकेंड थिंग है मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। यानी कि सतत और संतुलित विकास का अर्थ है कि मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें धीरे धीरे सुधार होता रहे। ऐसा नहीं है कि हम प्रकृति को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए अपने विकास को रोक दें। विकास करना है लेकिन हमें विकास के साथ साथ अपने प्रकृति का भी ध्यान रखना है कि अगर जो हम पर्यावरण ह्रास कर रहे हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट एंड थर्ड थिंग है कि वे पृथ्वी की सहन क्षमता का संरक्षण करना। यानी कि पृथ्वी की जितनी सहनशीलता है, जितना आप उसका दोहन कर रहे हो, तो पहले आप लोग उसकी सहनशीलता कितनी है और उसका संरक्षण करते रहें, जिससे कि वो अपने लेवल से क्रॉस ना हो सके और पर्यावरण ह्रास के कारण पृथ्वी की जो सहनशीलता है वो खत्म ना हो। एंड नेक्स्ट एंड फोर्थ है आपका कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण और नियमों में परिवर्तन किया जाए। यानी कि हर किसी का अपना खुद का जो राय होता है उस दृष्टिकोण उस नियम में परिवर्तन किया जाए और समाज एक इस तरह से सोचने लगे जिससे कि उसको उसके प्रति सजग किया जा सके और वो पर्यावरण ह्रास को अपने लिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझो और पर्यावरण ह्रास को कम से कम करने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट एंड फिफ्थ है कि विश्वव्यापी जो गठबंधन है, विश्वव्यापी गठबंधन का निर्माण किया जाए जिससे कि पूरा विश्व एक साथ बैठ करके किसी एक समस्या पर बात कर सके। जैसे कि मान लिया वो पर्यावरण प्रदूषण ही है तो उस पर पूरा विश्व एक साथ बैठ करके बात कर सके, जिससे कि कोई विकासशील देश जो है वो पीछे ना छूटे और विकसित देश उनका दुरुपयोग ना कर सके। तो इसके लिए गठबंधन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इसी तरह की चीज़ें हैं जो कि सतत और संतुलित विकास के लिए सिद्धांत के रूप में काम करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सतत और संतुलित जो विकास है, जो समविकास है, जो समविकास की संकल्पना की हम बात कर रहे हैं वो आखिर समविकास की संकल्पना क्या, जो समविकास है, जो समविकास की संकल्पना की हम बात कर रहे हैं वो आखिर समविकास की संकल्पना क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आया हो तो एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप किसी भी ईयर का कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जाकर के एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए और अपने अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।